तो भाई ढंग से सपोर्ट कर देना। पता लगती रहनी चाहिए ना चीजें लोगों के बारे में कि कौन क्या कैसा क्या दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और आज मेरी बाइक का भी बर्थडे है। आज उसको 1 ईयर कंप्लीट हो गए। सो आज दोनों भाई काटेंगे, खुद का भी और बाइक का भी साथ में। नीचे बेसमेंट में तो यार जगह है नहीं कि वहाँ केक लेके जाऊँ, इसलिए यहीं घर में ही काटूंगा। तो अब भी मैं जा रहा हूँ डेकोरेशन का सामान लेने, तो चलो चलते हैं। और चलने से पहले तो मैं अपना गिफ्ट दिखा देता हूँ जो मम्मी पापा ने दिया है। यार देखो मेरा ना, मुझे ना शूज़ का बहुत शौक है। मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं, मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मैं ले लेता हूँ। मम्मी पापा डांटते तो हैं, पर मैं अब कभी कभी अपनी सेविंग से ले लेता हूँ, कभी कभी मम्मी पापा दिला देते हैं। तो बर्थडे पे इस बार मैंने शूज़ लिए हैं मम्मी पापा से। तो मेरा वो पता है 2 साल पहले का ड्रीम था कि मैं वो शूज़ लूँ। मैं शोरूम में देख के आया था, फिर मैं ले नहीं पाया, इतने महंगे दिलाते नहीं ना। तो अब मैंने वो शूज़, मुझे अब वो शूज़ एक्साइटमेंट में बहुत गलत गलत बोल रहा हूँ, वो शूज़ तुम्हें दिखाता हूँ जो मम्मी पापा ने गिफ्ट करे हैं मुझे, बहुत ही मशहूर है और दिखाता हूँ। गाइस ये है वो शूज़ का बॉक्स, इसके अंदर ही है शूज़। तो तुम्हें दिखाता हूँ एक बार अनबॉक्सिंग करके। और ये देखो यार, बहुत एक्सपेंसिव है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मम्मी पापा दिला नहीं रहे थे, तो इस बार दिला दिया मुझे बस। और कैसे दिलाया, वो जिद वगैरह तो नहीं करी, दिला दिया, पर अच्छे लग रहे थे क्योंकि देखो यार क्या शूज़ हैं, है ना मस्त। कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ना, ऊपर से देखो ऐसी सेम ये वाला है, इसे पहनूंगा मैं शाम को। तो चलो अब चलते हैं बाहर। तो गाइस मैं आ गया था डेकोरेशन का सामान लेने, तो ये मिल गया मुझे, मेरा केक ही ऑर्डर कर रहे थे ये। तो दोस्तों के साथ तो बाद में जाऊंगा, अभी तो घर जा रहा हूँ लेके। सब तो ठीक है, एक बात बताओ मुझे, एक बात तो बताओ भाई, एक बात तो बताओ। हाँ भाई, एक बात इधर ही बता दे, एक बात इधर ही बता। अंकल लेने गए हैं डेकोरेशन का सामान, तो लेके आते हैं फिर चलते हैं घर। तो गाइस आज मैंने बुलाए हैं, अरे झूठ बोलना, गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे, अपने साथ हम खरीदा इन दोनों का तो ठीक है। भाई ये क्या कर रहे हैं लड़की से? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेड जा, हेड। तो गाइस मैंने पूरा सजा दिया अकेले। हम तो भाई पागल हैं, जो हमने मेहनत करी है गुब्बारे बनाने में। बोलो फिर से। हमने मिलके नीचे नहीं, मिलके मतलब नीचे कमेंट में गद्दारी। सो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, और चलते हैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करते हैं, उसके बाद तो मैं दिखाता हूँ वहीं पे सारी चीजें। चलो चलते हैं, वहीं मैटर करूंगा तेरा। चल ये भी आ गया था गाइस, ये मेरे घर पे आ गया था, कह रहा था यहीं से चलूंगा। इतने छोटे मारूंगा, इतने छोटे मारूंगा। चलते हैं भाई, चलो भाई। एक चीज और, देखो बिग बॉस तो देखता नहीं, पर अब मैं देखूंगा बिग बॉस, और जब भी ये व्लॉग डालूंगा ना, तब तक एल्विश यादव भाई हमारा बिग बॉस के अंदर होगा। तो भाई ढंग से सपोर्ट कर देना बढ़िया तरीके से, और जब भी वोटिंग वोटिंग डलेगी ना, ढंग से वोट डाल देना। जब जीत का आएगा ना भाई, तो कुछ ऐसा माहौल होगा, इससे भी तगड़ा होगा। ठीक है, तो ढंग से कर देना यार। आओ भाई आओ। चलो भाई इसको सामने, लोहंडे का बर्थडे आज भाई, बैंडे बजेंगी उल्टू बैंडे। तो गाइस आ गया हूँ पार्टी करने के लिए, ये पूरा बुक कर लिया मैंने आज, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे है ये। भाई तुम भी ना जाओ, अभी पूरी डांस करेंगे ढंग से, नाच नाच के आज तोड़ देंगे डांस को। सारे बैठे हुए अभी और फ्रेंड्स आ रहे हैं, चलो डांस करेंगे तब तुम्हें दिखाऊंगा। चंकर
सो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी और एक लार लुक एक बार मैंने अपने न्यू शूज पहने मौसी ने केक बनाया है इतना मस्त अभी देखना तुम दो केक बनाया मौसी ने एक मेरे बाइक के लिए क्योंकि आज मेरे बाइक का भी बर्थडे है और आज मेरा भी बर्थडे है अभी देखना तुम केक दिखा दो नमस्ते मौसी सुबह इस केक देखो यार कितना प्यारा लग रहा है स्टारबक्स का मेरी मौसी ने बनाया मेरे लिए मेरे लिए डिजाइन कराया कुछ देखो मम्मी मौसी और पापा जी बात कर रहे हैं मौसा जी से मौसा जी आ नहीं पाए मौसा जी गए चंडीगढ़ ऑफिस की तरफ से तो इस वजह से सब केक खा रहे हैं अरे देखो यार डेकोरेशन कितना मस्त करा था यार मैंने बुला लेना यार मुझे बुला लेना सिर्फ 11,000 रुपये लूँगा डेकोरेशन के पर लेकिन इतनी करूँगा ठीक है डीएम कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे बोलो नहीं बोलेगा क्यों वो चॉकलेट रखी ना आपकी रूम में हाँ। मत देना इसे जल्दी से बोल हैप्पी बर्थडे बोलो तो सही जल्दी से यहाँ खड़ा के बोल नहीं तो तेरे को घर से बाहर निकालूंगा जल्दी से बोल हैप्पी बर्थडे जल्दी से बोल नहीं बोलेगा नहीं लेके जाएंगे इसको आप भैया को लेके जाओगे ना बाइक पे लेके जाओगे ना जल्दी बोलते फटाफट से जल्दी से बोलते जल्दी बोलते हैप्पी बर्थडे चाबी गए बाकी चाबी गए बाइक की चाबी गए आ गई तुम्हारी चॉकलेट देख रहा तुरंत देख रहा है तुरंत देख रहा है चॉकलेट पहले हैप्पी बर्थडे पहले बोल हैप्पी बर्थडे एनीवे जल्दी से बोल हैप्पी बर्थडे एनीवे बोलो नहीं तो वहां पे आकर डर ले जाओगे बोल दिया ये इसकी मेन वारंटी मतलब कितने साल की है 20 साल कितने साल की दी है सो गाइस देख रहे होगे तुम कितना थक गया हूं मैं और गाइस तुम्हें एक चीज़ और दिखाना भूल गया था सूज के साथ मुझे ये भी मिला है तो कार्डेक और ये देखो यार बैक साइड बैग है जैसे करके नहीं टांगते सो गाइस कर लिया है बर्थडे सेलिब्रेट बहुत बड़े से करा है मेरे लिए बहुत स्पेशल डे था आज और सबको बहुत बहुत थैंक यू गिफ्ट के लिए भी थैंक यू और मेरा बर्थडे स्पेशल बर्थडे था स्पेशल मेरा बना दिया उसके लिए भी थैंक यू मैं बोल नहीं पा रहा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी भी एक्साइटेड हूँ मैं तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक चीज़ और है जैसे वो कुछ चीज़ें नहीं होती ऐसे मार्केट में चैन वगैरह मिलती है गोल्ड की नकली से उस पर कहते हैं सोने का पानी चढ़ा रहता है तो आसपास के कुछ मेरे ऐसे लोग हैं ना तो सोचता कि वो सोना है पर नहीं उन पर चढ़ा हुआ सोने का पानी तो वो सोने का पानी आज मुझे दिख गया मेरे बर्थडे पे तो पता लगती रहनी चाहिए ना चीज़ें लोगों के बारे में कि कौन क्या कैसा क्या दिखता है समझ रहे हो आप तो अब ये चीज़ है आसपास के लिए ये तुम रिलेटिव मान लो दोस्त यार मान लो और कोई भी मान लो तो ये चीज़ पता लगी मुझे अच्छा लगा हमेशा लाइफ में जाननी चाहिए सारी चीज़ें कि कौन तुम्हारे लिए कैसा है तो ये चीज़ पता लगी और बहुत ही बढ़िया रहा यार मेरा बर्थडे सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना यार तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय यहाँ छुपने से कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं करा ना अब तुम्हारी चॉकलेट्स कैंसिल अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम चॉकलेट नहीं मिलेगी